हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, 11 अप्रैल को हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि यूजीसी के चेयरमैन ने अनाउंसमेंट किया है कि नेट का एग्ज़ाम जो 2022 का होने वाला है वो जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर हो जाएगा। उस वक्त हमने आपको बताया था कि यूजीसी के चेयरमैन ने ये अनाउंसमेंट की है, लेकिन एनटीए की तरफ से इस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो और साथ ही साथ अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड इशू, सेंटर अलॉटमेंट, ये सब प्रोसीजर्स को देखें तो ये एग्ज़ाम जो है वो जून में होना पॉसिबल नज़र में नहीं आता है। साथ ही साथ 19 तारीख को भी हमने इसी के रिगार्डिंग एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवाई थी। बट उन दोनों वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ को खास तौर पे क्लियर किया था कि स्टूडेंट को यही मानकर चलना है कि एग्ज़ाम जून में होगा, क्योंकि इसी में उन सभी की भलाई है। और उस वीडियो के अंदर एक और बात खास तौर पे डिस्कस की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि अगर एनटीए जोर जबरदस्ती पर उतर जाती है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की डेट जो 30 दिन दी जाती थी, जो समय अवधि 30 दिनों की दी जाती थी, उसे अगर वो घटा देती है, तो यहाँ पर साफ तौर पे एनटीए की मंशा समझ में आएगी कि वो यूजीसी के चेयरमैन के ये वक्तव्य को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वैसे ही कुछ हमें इस बार 30 अप्रैल को देखने को मिला। 30 अप्रैल को देर रात एनटीए ने नोटिस जारी कर दिया और कह दिया एप्लीकेशन फॉर्म आपके जारी कर दिए गए हैं, और जो समय अवधि एप्लीकेशन फॉर्म की भरने के लिए दी जाती है वो 30 दिनों की दी जाती थी, लेकिन वो 20 दिन हमें देखने को मिली। तो इससे साफ तौर पर एनटीए की मंशा जो है वो आप सभी के लिए नज़र में आ रही है। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से मैं यही गाइड करना चाहूंगा कि जून में एग्जाम होगा, ऐसा बिल्कुल मानते हुए आप सभी ने चलना है। आपने अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाना है कि जून के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपका एग्जाम होगा ही होगा। अब ऊपरी तौर पर जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो 19 अप्रैल को, सॉरी 19 फरवरी को एनटीए ने रिजल्ट निकाला था। एक बार के लिए मान लेते हैं कि किन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट अगर नेगेटिव आया है तो 5-7 दिन उसे अपने आप को संभालने में लग जाते हैं। तो इफेक्टिवली हमारे पास में मार्च, अप्रैल और मई सिर्फ 3 महीने का समय बचता है, और इस 3 महीने के दौरान एनटीए ने जोर जबरदस्ती करते हुए बेसिकली एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाना चाहा है। इतने वाइड सिलेबस के साथ में स्टूडेंट तैयारी किस तरीके से करेगा, इस चीज़ का बिल्कुल भी यहाँ पर सोचा समझा नहीं गया है। खास तौर पे फोकस मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एप्लीकेशन फीस के ऊपर रखा गया, जिसको बढ़ा दिया गया, और कुछ भी चीज़ यहाँ पर सोची नहीं गई है। खैर, आप सभी के लिए न्यूज़ यही है कि आप जून में एग्जाम होगा ऐसा सोचें, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आपके हाथ में कम से कम तैयार किया हुआ मटेरियल रहेगा। और अगर आपने ऐसा सोचा कि जून में एग्जाम पॉसिबल नहीं है और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीले तरीके से चलाते रहे, तो कल को एनटीए ने आने वाले दिनों के अंदर अनाउंसमेंट कर दी कि जून में ही एग्जाम होगा, तो फिर स्टूडेंट जो है वो बीज मजदार में लटक जाएगा, क्योंकि उसने उसके तरीके से तैयारी नहीं की थी। तो आज आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करने में फायदा है, नुकसान किसी भी तरीके का नहीं है, क्योंकि जून में एग्जाम हुआ तो आप उसके लिए तैयार हैं। अगर जून में तैयार नहीं हुआ तो आपने हार्ड वर्क करके अपनी तैयारी को एक नया पेस ऑलरेडी दे दिया था। तो दोनों ही तरीकों से हमें फायदा नजर में आ रहा है। तो हमारे चैनल की हमेशा पहल यही रही है कि स्टूडेंट को एकदम सही और सटीक गाइडेंस यहाँ पर दी जाए, उसी के मद्देनजर ये सब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आई होप कि आप मेरी एक एक बात को समझ चुके हैं। जून के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना शुरू कर दिया है और 1 महीने का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। जो जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, वो अपने इंस्टिंक्ट पर देख लें कि वो पार्ट टाइम में जा सकते हैं क्या। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो देख लें कि वो एक बार के लिए उसे छोड़ सकते हैं क्या। तो वो खुद स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता है किस तरीके की समझ बूझ है, वो अपने समझ बूझ के हिसाब से इन चीज़ों का डिसीजन ले सकता है। बट एग्जाम यहाँ पर जून में होगा ऐसा सोचने में ही आपका फायदा यहाँ पर नजर में आ रहा है। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि आपके लिए हम लगातार काम करते जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप ए बी गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हर दिन फ्री क्विज मिलती है जिसको अटेंड करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।